सितंबर के महीने में बारिश के साथ उमस बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर के अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों का तांता लगने लगा। आजकल लोगों को खांसी, जुकाम और दस्त के साथ जो वायरल बुखार हो रहा है, उसे ठीक होने में 3 दिन की जगह 8 दिन से ज्यादा का वक्त लग रहा है। डॉक्टरों की माने तो वायरल फीवर के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बुखार में ठंड लगना गंभीर वायरल संक्रमण का साइन होता है। फीवर होने पर सिर में तेज दर्द के साथ पूरे शरीर की मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। बुखार के साथ ही मरीजों को खांसी, जुकाम और दस्त की भी शिकायत हो सकती है। शरीर में सुस्ती के साथ कई बार स्किन पर दाने की समस्या भी हो सकती है। डॉक्टरों की माने तो वायरल फीवर को लेकर लापरवाही बरतने से कई बार मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने तक की नौबत आ जाती है। कई वायरस के चलते होने वाला वायरल फीवर को हल्के में लेने पर गंभीर रूप धारण कर ले रहा है। खासकर मधुमेह, हाइपरटेंशन, दिल, कैंसर, मोटापा, किडनी, लीवर की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को वायरल फीवर से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर वायरल बुखार के गंभीर रोगियों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। आप कई घरेलू नुस्खे आजमाकर भी बुखार में जल्द राहत पा सकते हैं। वायरल बुखार होने पर अदरक वाली चाय और ग्रीन टी पीने से गले को आराम मिलता है। गले में खराश और खांसी से राहत के लिए मुलेठी खा सकते हैं। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। ठंडे या नॉर्मल पानी की जगह गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। सूप और गर्म दाल पीने से भी आराम मिलता है। जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी की गोली वायरस से निपटने में मदद कर सकती है। बुखार होने पर ठंडे या गर्म पानी से नहाने की जगह हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। वायरल फीवर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो अगर आपके घर में या फिर आसपास अगर कोई वायरल फीवर से पीड़ित है तो चेहरे पर मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बुखार होने पर खूब पानी पीने के साथ शरीर को पूरा आराम दें। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।